भुवनेश्वर सनशाइन हॉस्पिटल रे विश्व मस्तिष्क घातक दिवस उपलक्षे वरिष्ठ नागरिक मानंकु नै सचेतनता बैठक अनुष्ठित होईछि। ब्रेन स्ट्रोक रो प्रतिकार एवं सफलता सहित अत्याधुनिक चिकित्सा प्रदान करा जाई परिबो ताहा सम्मेलन रो मुख्य प्रसंग रहितला। कोनोसी व्यक्ति भीषण मुंडबिंधा कथा कहिबा बेळकु पाटी खनी मारि जिबा, चालिबारे समस्या, आखिकु ठीक भाबरे देखा न जिबा, हाथ गोड़ बाधिबा भळी लागिबा, ता सहित ई सब किछि ब्रेन स्ट्रोक रो लक्षण। संपृक्त लक्षण को अनुभव करथिबा व्यक्ति को जदि अविलंबे सठिक चिकित्सा प्रदान करा जिवो ताहले रोगींकर जीवन बंची पारिबो बोली कहा जाइछि। एही कार्यक्रम रे सनशाइन हॉस्पिटल रो स्नायु विभाग रो मुख्य डाक्टर प्रमोद जेना, डाक्टर तन्मय पाढ़ी, स्नायु विभाग रो मुख्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार साहू एवं डॉक्टर रोशन साहू प्रमुख जोग देथिले। है कि इस्केमिक स्ट्रोक है, इसी के ऊपर ही आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है और वो डायग्नोसिस सिटी स्कैन और एमआरआई पे ही हो सकता है जो कि अवेलेबल 24/7 होना चाहिए। उसके बाद ज़रूरी है इस्केमिक के अंदर एक इंजेक्शन देना जो कि क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, वो भी हमारे यहाँ 24/7 उपलब्ध है और उसको देने के लिए क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है 24/7। ब्रेन पे कह जाए टाइम इज ब्रेन, जितने जल्दी अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए ब्रेन से इम्प्रूवमेंट होवार चांस अच्छी। तेणु जो डायबिटीज ब्लड प्रेशर किंबा स्मोकिंग अच्छी से मैंने सब जिनस को कंट्रोल रखा उचित। और जो मैंने सेडेंटरी हैबिट मैंने जो मैंने बसिक काम करते मॉर्निंग इवनिंग वॉकिंग साइकिलिंग किसी एरोबिक एक्सरसाइज करवा उचित।